कृष्ण अर्थात परम ईश्वर श्री जगन्नाथ, बहुत से हैं उनके नाम, अल्लाह, यहोवा, बुद्ध, श्री राम, भगवान। अनंत हैं श्री कृष्ण के रूप और असीम हैं उनकी लीलाएं। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को युद्ध भूमि में अपनी वाणी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। 495 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः प्रकट हुए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार किया। उनकी भविष्यवाणी थी कि भगवान नाम कीर्तन का सारे विश्व में प्रचार होगा। श्री कृष्ण भावनामृत का यह विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आज भी सुलभ है। 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक अद्वितीय ग्रंथ द्वारा भगवान श्री चैतन्य से विदेशों को परिचित कराया। आपने कहा था कि शीघ्र ही एक महात्मा प्रकट होंगे जो सारे संसार में कृष्ण भक्ति फैलाएंगे। श्रील भक्ति विनोद के महाभागवत विद्वान पुत्र श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके शिष्य श्री अभय चरणारविंद ने इन भविष्यवाणियों को सार्थक किया। कृष्ण भक्ति और अपने गुरु में अटूट विश्वास के साथ 1965 में श्री अभय ने, जो अब एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के नाम से जाने जाते हैं, कलकत्ता से न्यूयॉर्क की जल यात्रा की। उम्र 70 वर्ष, पास में न धन था न कोई साथी, किंतु हृदय में थी एक अमूल्य निधि, कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। We are receiving the transcendental knowledge through Guru Parampara succession. श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता आ रहा है, इसीलिए हमें तो मात्र गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए और यदि हम पूर्ण रूपेण तन मन धन से उस आज्ञा का पालन कर सके, यही हमारी सफलता है। यह गुरु सेवा व्यावहारिक है, मेरी कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है, परंतु मैंने तो केवल अपने गुरु को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। मेरा ध्येय केवल इतना ही था। मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि यदि तुम्हारे पास कुछ धन हो तो तुम ग्रंथ छापना, अतएव मैं इस तथ्य पर बल दे रहा हूँ तो दया करके मेरी सहायता कीजिए, यही मेरी विनती है। जितनी भाषाओं में जितनी भी पुस्तकें हो सके छापिए और पूरे विश्व में वितरण कीजिए, तब यह श्री कृष्ण भावनामृत अभियान अपने आप ही आगे बढ़ता जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रूआउट द होल वर्ल्ड, देन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। द भगवद गीता श्रील प्रभुपाद ने दिन रात संस्कृत एवं बंगला के वैदिक साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उनका तात्पर्य विस्तार पूर्वक लिखा। ये सनातन कालातीत ग्रंथ हरे कृष्ण अभियान के दार्शनिक आधार है। इन द कुंतीज प्रेयर इन श्रीमद् भागवतम क्वीन कुंती सेज, माय डियर लॉर्ड, यू आर एग्जिस्टिंग आउटसाइड एंड इनसाइड, स्टिल नोबडी कैन सी यू। आज भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की विश्वव्यापी शाखाओं में इन पुस्तकों का मुद्रण चित्रण कार्य और प्रकाशन भक्तों द्वारा किया जाता है। श्रील प्रभुपाद ने इन चित्रों को वैकुंठ जगत के झरोखों की उपमा दी है। उन्होंने 1965 से लेकर देह छोड़ने के पूर्व 1977 तक 70 से भी अधिक ग्रंथ लिखे। 10 करोड़ पुस्तकें 35 भाषाओं में बांटी जा चुकी हैं। धार्मिक इतिहास विभाग के सुविख्यात प्रोफेसर स्टिलसन जुड़ा कहते हैं, The Hare Krishna movement or the International Society for Krishna Consciousness is a bona fide
डॉक्टर जूडा कहते हैं हरे कृष्ण संघ अर्थात इस्कॉन एक प्रामाणिक अभियान है। ये क्रिश्चियन मत से भी पुराना धर्म है। कृष्ण पूजन भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। भूतकाल में भारत का ये एक महान धर्म रहा और आज भी उतना ही महान है। हरे कृष्ण अभियान के संस्थापक कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को उनके गुरुदेव द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशामृत का प्रचार करने की आज्ञा दी गई थी। श्रील प्रभुपाद ने इस आज्ञा का बहुत सुंदर ढंग से पालन किया और अमेरिकन समाज पर केवल अपनी विद्वत्ता से ही नहीं बल्कि अपने महान व्यक्तिगत आध्यात्मिक गुणों से भी बहुत गहरा प्रभाव डाला है। श्रील प्रभुपाद सारे संसार में एक महान विद्वान के रूप में सुविख्यात हैं और उन्होंने कई ग्रंथों के अनुवाद भी प्रकाशित किए हैं। इनमें से अनेक ग्रंथ यहाँ पाश्चात्य जगत के सामने सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी रचनाएं स्मृति पुंज हैं, क्योंकि न केवल वे सुंदर ढंग से अनुदित हैं बल्कि मैं समझता हूं कि वे हरे कृष्ण अभियान का यथार्थ आध्यात्मिक स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। इसी कारण आज श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ न केवल अमेरिका वरन संपूर्ण विश्व के पुस्तकालयों में प्राप्त होते हैं। श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में ग्रामीण भक्त सदियों से भगवान नाम संकीर्तन करते आ रहे हैं। ये शिक्षाएं बड़ी ही सरल है। प्रत्येक जीव चिन्मय है, श्री कृष्ण का नित्य दास है। जाति वर्ण मत और राष्ट्रीयता की सभी उपाधियां अस्थाई है। अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए केवल भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन ही कृष्ण भक्ति का सार है जो आज सारे संसार में हो रहा है। पेरिस से हांगकांग, बंबई से नैरोबी, रियो से न्यूयॉर्क तक भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। फिजी में एक दंपति बैक टू गॉडहेड पत्रिका को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। कैलिफोर्निया में विद्यार्थीगण एक छोटे से बच्चे से श्री कृष्ण भावनामृत का आस्वादन कर रहे हैं। रुक्मिणी देवीदासी समझाती हैं कि वे हरे कृष्ण अभियान में क्यों सम्मिलित हुई। I first met Srila Prabhupada in Montreal in 1968 and I remember I was deeply moved by his singing. मैं श्रील प्रभुपाद से 1968 में मॉन्ट्रियल में मिली। मैं अत्यधिक प्रभावित थी कि श्रील प्रभुपाद अन्य धर्मों को अस्वीकार नहीं करते। उन्होंने समझाया कि सच्चा धर्म तो वो है जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाए। इन वर्षों में मुझे ज्ञात हो गया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रयोग है। मेरे लिए भगवान अब तर्क का विषय नहीं बल्कि नित्य नवीन दिव्यानंद का स्रोत है। कलकत्ता में खुले मैदान में एक मंदिर में अमेरिका में जन्मे श्रील जय पताका स्वामी स्थानीय बंगला भाषा में प्रवचन दे रहे हैं। कोनो जाति वेद, कोनो राष्ट्र वेद, कोनो रंग वेद, कोनो बेदा वेद नहीं, এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক এবং আসল রাষ্ট্রসংঘ, ইউনাইটেড নেশনস অফ দি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। রথ কা উৎসব
2000 वर्ष प्राचीन यह उत्सव सारे संसार के महत्वपूर्ण नगरों में हर वर्ष मनाया जाता है। जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव। लंदन के बाहर यहां भक्ति वेदांत निकेतन में बड़े वैभव और आनंद के साथ श्री भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। इंग्लैंड में यात्रा करती हुई ये एक अनोखी ट्रेलर बस है। इसके अंदर एक मंदिर है जिसका आयोजन और निर्माण भक्तों ने किया है। अब कोई नहीं कह सकता कि मंदिर उससे दूर है, क्योंकि शायद कल ये मंदिर उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाए। इसके पहुंचते ही एक भव्य उत्सव का आरंभ हो जाता है। होनोलुलु मंदिर के अध्यक्ष नरिहरि दास हवाई देश के द्वीपों में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सुनिए वे हरे कृष्ण अभियान में क्यों सम्मिलित हुए। I was always a little interested in yoga and meditation, but when I began reading Srila Prabhupada's books, that's when my life actually began to transform. सदा से ही योग व ध्यान में मेरी रुचि थी, किंतु श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों ने तो मेरे जीवन में एक क्रांति ही ला दी, जिनसे मुझे ज्ञात हो सका कि मैं पहले के अपने सभी प्रिय कार्यों को श्री कृष्ण भावनामृत में कर सकता हूँ। 11 वर्ष पूर्व मैं शरीर क्रिया विज्ञान का स्नातक बना, किंतु कृष्ण भक्ति का विज्ञान इतना गहन है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में इस स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती। ये विज्ञान केवल यही नहीं समझाता कि शरीर किस प्रकार कार्य करता है, बल्कि क्यों कार्य करता है। जब मैं बालक था, तभी से मुझे नौका विहार, सागर तट, उनकी उष्ण ऋतु, सुंदर फल तथा फूल और स्फटिक जैसे स्वच्छ समुद्र मनोहर लगते थे। तो जब ये नौका हमारे हरे कृष्ण संघ को दान में मिली, तो हमने उसे तैरते हुए मंदिर में बदलने का और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाकर भगवत प्रेम के विशुद्ध संदेश का वितरण करने का निश्चय किया। बंबई में जुहू के सागर तट पर स्थित हरे कृष्ण धाम श्री कृष्ण भावनामृत संघ का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र। यहाँ का मुख्य आकर्षण भगवान और उनकी नित्य सहचरी की श्री मूर्तियां हैं, श्री श्री राधा रास बिहारी जी तथा श्री सीताराम। इन सुंदर प्रतिमाओं की सजावट भगवान की विविध लीलाओं को प्रदर्शित करती है। भक्तगण कृष्ण लीलाओं को दर्शाने वाले परंपरागत नृत्य भी सीखते हैं। हरे कृष्ण रंगमंच पर लोकप्रिय कलाकार वैजयंती माला इस्कॉन के सहायतार्थ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। भारत में प्रायः घर ही मंदिर होता है जहां पूरा परिवार पूजा करता है। अब बहुत से पाश्चात्य परिवार भी यही परंपरा अपना रहे हैं। मार्को फेरेनी इटली में एक सबसे बड़े डिजाइन कंपनी के स्वामी व संचालक हैं। पिज़ा के निकट ये अपने परिवार और माता पिता के साथ रहते हैं। इनका घर भी एक छोटा सा मंदिर है। ये अन्य लोगों के साथ कीर्तन का संचालन करते हैं और प्रवचन देते हैं। आप समझाते हैं कि प्रगति का माप तकनीकी विकास से नहीं निकलता, बल्कि आत्म साक्षात्कार की प्रगति से निकलता है। हरे कृष्ण भक्तों के सत्संग और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए हर व्यक्ति आमंत्रित है। 1970 में श्रील प्रभुपाद ने आजीवन सदस्यता शुरू की। सदस्यों को हरे कृष्ण संघ का साहित्य और संसार के अतिथि गृहों में मुफ्त रहने व कृष्ण प्रसाद पाने की सुविधा है। Hare Krishna
परंपरागत वैदिक यज्ञ दीक्षा लेने वालों को मांसाहार नशा जुआ और अवैध संबंधों से दूर रहने तथा हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र के नियमित जप का व्रत लेना पड़ता है। तब श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य अपने शिष्य के रूप में उनको स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह गुरु परंपरा आगे बढ़ती है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे ही यज्ञ में भक्तों का विवाह, पति पत्नी अपनी संतान का कृष्ण भक्त के रूप में पालन करने को सहमत होते हैं। बालकों के लिए कृष्ण भक्ति बड़ी ही स्वाभाविक है। वे बड़े आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। तुष्टि देवी दासी, जो 10 से अधिक वर्षों से शिक्षिका का कार्य करती हैं, लॉस एंजेलिस के अपने अनुभवों को बता रही हैं। हमारी श्री कृष्ण भावनामय शिक्षा पद्धति बड़ी अनोखी है। इसमें परंपरागत शिक्षा का आध्यात्मिक जीवन से संबंध है। अपने बालकों को हम श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखाते हैं, अतः उनमें अनेक सद्गुण आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें बच्चों की शिक्षा के लिए एक सूत्र दिया है, बच्चों से केवल स्नेह करो और वे अच्छा व्यवहार करेंगे। हमारे यहाँ अनुशासन कोई समस्या नहीं है। ये पद्धति अत्यंत सफल रही है। सामान्य विद्यार्थी अपनी कक्षा से 3 दर्जे के आगे के स्तर पर रहता है। विद्यार्थियों को संस्कृत व अंग्रेजी सिखाई जाती है। Only by undivided devotional service. Only by undivided devotional service. Can I be understood as I am? Can I be understood as I am? Krishna can be understood only by the process of. इस श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति की विधि से ही समझा जा सकता है। गीता के अप्रामाणिक टीकाकार जान ले कि तर्क वितर्क से श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न केवल समय नष्ट करना है। In this verse in the Bhagavad-gītā, it indicates that God has a form. गीता के इस श्लोक में भगवान के रूप का संकेत है। हम ये कैसे समझ सकते हैं? Because he's, we're coming from him, and he's the supreme, and we have. भगवान हमारे परम पिता हैं। जब हमारा रूप है, तब भगवान का भी रूप होना ही चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण है। हम भगवान को अपनी इंद्रियों से क्यों नहीं समझ सकते? पास के कमरे में क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते, तो अनंत भगवान को कैसे समझा जा सकता है? सीमित जीव भगवान को नहीं समझ सकता। विश्व भर में 20 से अधिक पाठशालाएं हैं। भारत में वृंदावन धाम के इस गुरुकुल में 500 विद्यार्थी रह सकते हैं। बच्चों में जो भी प्रवृत्तियां हों, उन्हें उस क्षेत्र में मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित किया जाता है। श्री वृंदावन के सबसे अधिक लोकप्रिय मंदिरों में से एक है कृष्ण बलराम मंदिर, जिसमें बच्चों को पूजा की शिक्षा दी जाती है। पास ही के वन में बच्चे कबड्डी खेलते हैं। श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन धाम और श्री कृष्ण के प्रिय पशु गाय बछड़े, कृष्ण स्मरण के लिए अनुकूल वातावरण, कृष्ण भावना में जीवन के विकास के लिए आदर्श स्थान। श्री वृंदावन का यही वातावरण मैड्रिड स्पेन के पास 700 एकड़ में बसे एक ग्राम में और हरे कृष्ण संघ के अन्य समुदायों में मिलता है। फार्म की गुफाओं से प्राप्त रेत से मकान बांधने का काम। सिद्धांत है
उच्च आध्यात्मिक विचार और सरल जीवन। मानव समाज प्रकृति की देन से प्रफुल्लित होता है, औद्योगिक संस्थानों से नहीं। प्राकृतिक नियमों को तोड़ने के कारण मानव भूकंप, सूखा, अकाल और युद्ध जैसी विभीषिकाओं में फंस जाता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने से मनुष्य शांति और समृद्धि पाता है। फिलीपींस में भक्त लोग अपनी दिनचर्या हरे कृष्ण महामंत्र के जप से करते हैं। आज के समय में भगवान नाम जप भगवान के स्मरण का सर्वोत्तम साधन है। स्थानीय भक्तगण अपने पाश्चात्य गुरु भाइयों को घर बनाने के लिए बांस के टुकड़ों का उपयोग करना सिखाते हैं। पेंसिल्वेनिया में वहां के कृषि समुदाय का उद्देश्य हमने परमानंद दास से पूछा। मुख्य उद्देश्य गौ रक्षा दर्शाना है। गौ रक्षा का अर्थ है गाय और बैल से इनकी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार व्यवहार करना। गाय हमारी माता है क्योंकि वो हमारे भोजन का मुख्य तत्व प्रदान करती है, दूध, पनीर, दही, मक्खन। बैल पिता के समान है कारण वो धरती को उपजाऊ बनाकर अन्न पैदा करता है जिससे शरीर का निर्वाह होता है। हम शिशु बैलों को प्रशिक्षण देकर ये दर्शा रहे हैं कि ये कितने उपयोगी हैं। वास्तव में ये बैल अनेक यंत्रों का कार्य कर सकते हैं। हम स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का दास मानते हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना अर्थात उनके नियमों के अनुसार जीना ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इस स्थिति में हम ही नहीं वरन गाय और बैल भी अत्यंत सुख शांति का अनुभव करते हैं। पेंसिल्वेनिया से 4000 मील दक्षिण में ब्राजील की एक उपजाऊ घाटी में एक और हरे कृष्ण ग्राम्य आश्रम। यहाँ पाठशाला के प्रधानाध्यापक अंगिरा मुनिदास श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का पुर्तगाली भाषा में अनुवाद का निरीक्षण करते हैं। भक्त लोग 300 एकड़ के इस फार्म को एक स्वावलंबी समाज बना रहे हैं। पूरे साल भर फसल पैदा होती है और वहां की समृद्धि धन या यंत्रों में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में जीते हुए कृष्ण भक्तिमय सामूहिक जीवन की शांति में है। अन्य सभी वस्तुओं की तरह फूल और मालाएं भी इस कृषि समुदाय के केंद्र स्वरूप श्री कृष्ण को समर्पित की जाती हैं। फ्रांस में एक गढ़ी जो अब एक मंदिर है और सदा शिव प्रियदास जैसे बहुत से कलाकारों व कारीगरों का निवास स्थान बन चुकी है। मुझे ये कार्य मेरे पिताश्री ने सिखाया। वे स्वयं भी फ्रांस के एक गांव अंजो में कारीगर हैं। यद्यपि मैंने अपना अध्ययन शुरू किया फिर भी मैं पुनः इस काम में लग गया क्योंकि मैं इस आधुनिक भौतिकतावादी जीवन से छूटने का मार्ग ढूंढ रहा था। मैं योगाभ्यास कर रहा था और जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहा था। इस बीच मेरी हरे कृष्ण भक्तों से भेंट हुई और मैंने शील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। अब श्री कृष्ण की कृपा से मैं इस कला का कृष्ण भक्ति में प्रयोग कर सकता हूं। हमें अपने समस्त कार्य भगवान को अर्पण करने चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है। मैं श्री कृष्ण अर्थात इस हरे कृष्ण संघ के लिए कार्य कर रहा हूं। यह बड़ा ही सरल, बड़ा ही स्वाभाविक जीने का ढंग है। इतिहास साक्षी है, अनेक कलाकारों तथा कारीगरों ने अपनी प्रतिभा श्री भगवान के गुणगान में लगाई है। हरे कृष्ण संसार में भी वही परंपरा चली आ रही है। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के लिए वस्त्रालंकार भक्त अपने हाथों से बनाते हैं। ১৯৭৩ में श्रील प्रभुपाद ने अपने 15 कलाकार भक्तों को मिट्टी से मूर्तियां बनाने की कला सीखने के लिए श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल भेजा था। इन कलाकारों ने कृष्ण लीला के दृश्यों का प्रदर्शन
प्रथम अमेरिकन दिव्य प्रदर्शनी फेट द्वारा किया, जो बहुत ही विख्यात है। यह श्री कृष्ण का विश्व रूप है, जो लॉस एंजेलिस प्रदर्शनी की एक प्रतिमा है। एक और लोकप्रिय प्रतिमा है हमारा परिवर्तनशील शरीर। भगवत गीता में बताया गया है कि शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा दूसरी देह धारण कर लेती है। ज्ञानी पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। विश्व में श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार में दूरदर्शन जैसे सभी लोक संपर्क के प्रगतिशील माध्यमों का उपयोग कृष्ण सेवार्थ किया जा सकता है। वेदांत ट्रस्ट के संग्रह से बनाए गए चित्रों को यहां न्यूयॉर्क के भारतीय दूतावास में प्रदर्शित किया जा रहा है। हरे कृष्णा। वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में नव वृंदावन की 3,000 एकड़ में फैली सुंदर घाटियां, उनमें से एक घाटी श्रील प्रभुपाद के राजभवन रूपी भव्य स्मारक से विभूषित। पूर्णतया भक्तों द्वारा आयोजित व निर्मित प्रभुपाद का राजभवन प्रेम का प्रतीक है, अपने गुरु के लिए शिष्यों के प्रेम का आदर्श। ये राजभवन सारे संसार के दर्शनार्थियों का आकर्षण केंद्र है। श्रील कीर्तनानंद स्वामी अपनी इस महान योजना के बारे में समझा रहे हैं। Well, in the first instance, we built the palace because we wanted a home for Prabhupada so he could come and stay in our community. आरंभ में हमने इस राजभवन का निर्माण श्री प्रभुपाद के नव वृंदावन समुदाय के घर के रूप में किया था। उनका देहांत हो जाने से अब हम इस घर को एक ऐसा स्मारक बनाना चाहते थे जो इसका परिचायक हो कि श्री प्रभुपाद हमारे लिए क्या थे। श्रील प्रभुपाद के राजभवन के विषय में सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यह किस प्रकार बना। जब कार्य आरंभ हुआ तो हम घर बनाने के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। हम एक ईंट भी ठीक से नहीं रख सकते थे। इस राजभवन की कल्पना तो दूर। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ही इसे बनाया है, क्योंकि कोई कार्य स्वयं करने के स्थान पर भक्तों के माध्यम से कराना भगवान को रुचिकर है। टाइम्स मैगजीन ने इस राजभवन को आध्यात्मिक डिज्नीलैंड कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा रचना कौशल का अपूर्व चमत्कार, और लाइफ मैगजीन लिखती है यात्री यहां आकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 प्रभुपाद का राजभवन तो आरंभ मात्र है। श्री कृष्ण के गुणगान के लिए शीघ्र ही 7 बड़े मंदिर नव वृंदावन की घाटियों की चोटियों को अलंकृत करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। अतः भक्त दूध दही शाक धान्य और फलों के साथ परंपरागत सैकड़ों स्वादिष्ट व्यंजन कृष्ण प्रसाद के रूप में तैयार करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और सारी सृष्टि के स्वामी हैं, फिर भी प्रेम व भक्तिमय नैवेद्य को स्वीकार करते हैं। गोविंद
सभी मंदिरों के समान इटली फ्लोरेंस में भी कृष्ण प्रसाद बिना कुछ लिए वितरण किया जाता है, विशेषकर रविवार के दिन। आयु, राष्ट्रीयता, जाति या धर्म के सब भेदभाव स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद के आगे मिट जाते हैं। यहाँ लंदन के केंद्र ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास भी प्रसाद बांटा जा रहा है। संसार के 40 हरे कृष्ण रेस्टोरेंटों में विविध स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में कृष्ण प्रसाद ही मिलता है, मांस, मछली, अंडे कभी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण इनको स्वीकार नहीं करते। भारत में भी कृष्ण प्रसाद बांटा जाता है। जब अनावश्यक संग्रह नहीं किया जाता तो कभी कोई अभाव नहीं होता, भगवान सबका निर्वाह करते हैं। यहाँ श्री मायापुर धाम पश्चिम बंगाल में हजारों लोग कृष्ण प्रसाद के रूप में खिचड़ी पाते हैं। यहाँ श्री मायापुर में अतिथि लोग बंगाल के सबसे लंबे मकान में ठहरते हैं। यहाँ के अधिष्ठाता देव हैं श्री श्री राधा माधव। भगवान श्री चैतन्य का जन्म स्थान श्री मायापुर धाम एक अत्यंत महान तीर्थ। श्री चैतन्य देव के आविर्भाव महोत्सव में 5 महाद्वीपों से भक्तगणों का हर वर्ष आगमन। श्री चैतन्य देव का संदेश, कृष्ण भक्ति का शाश्वत विज्ञान जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से हमें प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक और भक्ति वेदांत संस्थान के सदस्य ज्ञानदास इस विज्ञान का महत्व बता रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा स्पोक भगवद गीता नॉट ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम बट टू ऑल पीपल। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता किसी विशेष व्यक्ति और काल के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति तथा युगों के लिए कही। हरे कृष्ण भक्त इस विज्ञान का साक्षात्कार व वितरण करने के लिए समर्पित श्री कृष्ण भावनामृत एक ऐसे शांतिमय समाज की रूपरेखा है जिसके केंद्र में है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कीर्तन, नर्तन, दर्शन और कृष्ण प्रसाद रूपी व्यंजनों का आगार, यही है हरे कृष्ण संसार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा